सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग इंडिया को और बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्मार्ट लर्निंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए साइंस यानी विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन लाए हैं, जो कि ये पार्ट 20 है और 19 पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लाए हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है एनाटोमी। एनाटोमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। किसमें अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों एवं पौधों की संरचना में। किसमें किया जाता है? जानवरों एवं पौधों की संरचना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ओनकोलॉजी। ओनकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? आंसर कैंसर से। किससे संबंधित है? कैंसर से। नेक्स्ट आज का तीसरा क्वेश्चन है न्यूमिजमैटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? सिक्कों से। किससे संबंधित है? सिक्कों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? अनुवांशिक घटकों में फेर बदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन से। क्या है? आनुवांशिक घटकों में फेर बदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आर्नीथियोलॉजी किससे संबंधित है? आर्नीथियोलॉजी पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एपिडेमियोलॉजी क्या है? एपिडेमियोलॉजी, ये सब वर्ड थोड़ा हार्ड है लेकिन ये सब याद करना पड़ेगा। एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो महामारी रोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? महामारी रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किससे मापा जाता है? कैलोरी से। किससे मापा जाता है? कैलोरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। किसका? हाइग्रोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। किसका उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बिजली के प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ओम मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक है किनेमैटिकल समीकरणों, खोज आदि जैसे नियमों से संबंधित है? कौन है? गैलीलियो ने। कौन है? गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का संबंध वायरलेस टेलीग्राम, किस वैज्ञानिक का संबंध है वायरलेस टेलीग्राफी और रेडियो और वायरलेस संदेश से जुड़ा है? कौन जुड़ा है? जी मार्कोनी। कौन है? ये जी मार्कोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? किसने किए थे? जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से भौतिक में कौन सा उल्लेखनीय योगदान वैज्ञानिक न्यूटन द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा। तो ये क्या होगा? उपयुक्त सभी यानी वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियम, गति का नियम और कैलकुलस की खोज किए थे। कौन किसका किसका खोज किए थे? न्यूटन। वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियम, गति का नियम, कैलकुलस का खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वैज्ञानिक ए फर्मी ने भौतिक के क्षेत्र में कौन सा उत्कृष्ट योगदान दिया था? कृत्रिम रेडियो धर्मी तत्वों की पहचान। क्या दिए थे? कृत्रिम रेडियो धर्मी तत्वों की पहचान करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वैज्ञानिक ओटो होन और स्टॉसमैन का भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा उत्कृष्ट योगदान रहा था? परमाणु विखंडन के लिए। किसके लिए? परमाणु विखंडन के लिए। नेक्स्ट
नंबर 17, वैज्ञानिक थेल्स का भौतिकी के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? तो अस्थेटिक, किसका है? अस्थेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वैज्ञानिक मिलिकन का भौतिकी के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? वैज्ञानिक मिलिकन का भौतिक के क्षेत्र में निम्न में कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? इलेक्ट्रॉनिक चार्जर का, किसका? इलेक्ट्रॉनिक चार्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वैज्ञानिक न्यूटन का भौतिक के क्षेत्र में निम्न में कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? वैज्ञानिक न्यूटन का भौतिकी के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? किसका है? शीतलक का सिद्धांत। कौन सा? शीतलक का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वैज्ञानिक हेनरिक हार्टर्ज का भौतिकी के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? कौन सा है? विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सा है? विद्युत चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 से। किससे? विटामिन B1 से। और विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है, उसके बाद सेब यानी एप्पल और पपाया, यानी कैरोट पपाया और एप्पल में विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन सी सबसे ज्यादा खट्टे फलों में पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्या? विटामिन सी जो है खट्टे फलों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अस्टार्च से क्या संबंधित है? अस्टार्च से ग्लूकोज संबंधित है। क्या है? अस्टार्च से ग्लूकोज संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अस्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? अस्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। अस्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? तो कौन है? फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन। नेक्स्ट जनन क्षमता में कमी होती है, जनन क्षमता में कमी होती है किसके कारण? विटामिन ई की कमी से। और रक्त को थक्का बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? विटामिन के की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विटामिन की खोज किसने किए थे? विटामिन की खोज फुंक ने किए थे। किसने? कहीं पे फंक भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकराइड है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकराइड है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। कौन कौन है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकराइड है? निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकराइड है? कौन है? तो ये माल्टोज है। कौन है? माल्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? यानी कहने का मतलब है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैसीन। कैसीन जो है दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं? तो विटामिन डी को। विटामिन डी को हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, रेनिन का अस्त्रवण करने वाला अंग कौन सा है? रेनिन का अस्त्रवण करने वाला अंग अमाशय है। कौन सा है? अमाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, डार्विन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये प्राकृतिक चयनवाद। डार्विन का सिद्धांत क्या था? प्राकृतिक चयनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, वन उपस्थित तंत्र में हरे पौधे होते हैं। वन प्रास्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। किसके होते हैं? मूल उत्पादक का। किसका? मूल उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों को
क्या कहलाता है? इकोलॉजी। क्या कहलाता है? इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया जाता है, कहाँ किया जाता है? ब्रिज। आंसर क्या होगा? ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, पेली एंटोलॉजी अध्ययन है, किसका अध्ययन है? ये जीवाश्मों का अध्ययन है, किसका? जीवाश्मों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, डायनासोर का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? डायनासोर का सुनहला काल किस महाकल्प को कहते हैं? तो ये मीसोज्वाइक काल को, किसे कहते हैं? मीसोज्वाइक काल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है? जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है? तो प्री कैम्ब्रियम। क्या होगा? प्री कैम्ब्रियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? निम्नलिखित में कौन आधुनिक मानव का सबसे निकटतम संबंधी है? गोरिल्ला। कौन सा होगा? गोरिल्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? हीमोग्लोबिन में Fe+ होता है। क्या होता है? Fe+। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जाता है, AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति को कौन सा, किसे दिया जाता है? तो AB वाले को ही दिया जाता है। AB जो है सर्वग्राही है, ये AB जो है सबसे ले सकता है, लेकिन AB को ही सिर्फ दे सकता है, और O जो है ये सर्वदाता है, यानी सबको दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में लिंग संलग्न रोग है, निम्नलिखित में लिंग संलग्न रोग कौन सा है? तो ये बांधता है। कौन सा है? बांधता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, बिलियन हार्वे, क्या बिलियन हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? रक्त परिसंचरण के लिए। किसके लिए? रक्त परिसंचरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है? कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? कौन? टॉन्सिल। कौन सा कहलाता है? टॉन्सिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संघटक होता है, कौन सा होता है? 22+X। कौन होता है? 22+X। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, पिता ए रुधिर वर्ग तथा माता बी वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? यदि पिता का ए ब्लड हो और माता का बी ब्लड हो तो बच्चे का कौन सा ब्लड होगा? AB O AB, चारों, यानी कोई भी ब्लड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, सर्वाधिक रुधिर दाता रक्त ग्रुप कौन सा है? सर्वाधिक रुधिर दाता वर्ग कौन सा है? ओ। कौन सा है? ओ, मतलब सर्वदाता बोल रहा है, सर्वदाता रुधिर दाता कौन सा है? ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, RH कारक के खोजकर्ता कौन है? RH कारक के खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर एवं बीनर ने। कौन है? लैंडस्टीनर एवं बीनर ने। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर ध्रुवों की ओर गति करते हैं? कौन करते हैं? एनाफेज। कौन करते हैं? एनाफेज करते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।